रामगढ़ ताल थाना अंतर्गत एक गांव में गुरुवार की सुबह गैस सिलेंडर में आग लगने से एक बच्चे और दो महिला समेत चार लोग झुलस गए। परिजनों ने घटना की जानकारी तत्काल पीआरबी 112 नंबर पर फोन कर सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची डायल 100 112 नंबर की टीम ने 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाकर एक बच्चे समेत चारों झुलसे व्यक्तियों को जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं इमरजेंसी ओपीडी में तैनात डॉक्टर शहनवाज ने झुलसे घायलों का उपचार करते हुए अस्पताल में भर्ती किया, साथ ही हल्के रूप से जले बच्चों को उपचार के बाद छोड़ दिया गया। डायल 100 के पुलिस विभाग के सराहनीय कार्य करने वाले डायल 100 के हेड कांस्टेबल श्याम नंदन सिंह, कांस्टेबल शिव कुमार तिवारी, होमगार्ड संतोष यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल के परिजनों सिंध्यावती देवी ने कहा, बड़ी सिरजावती देवी क्या लगती है जेठानी, खाना बनावत रही सिलेंडर खत्म हो गए, नया वाला सिलेंडर लगैली है ओकरे बाद तब उमन काला सवाल रहला तू रहल नहीं हवे ओकरे बाद लगैली तुरंत गैस निकले लगल हवे। सब पूरा तीनों परिवार चारों परिवार सब अथी हो गया, पकड़ ले ला है पूरा सामान भी जल गए पूरा घर में सब आए बचाई ले हवे सब। हाँ कितने लोग गए? चार लोग। चार लोग जा रहे हैं लेकिन कहाँ जा चल रहे हो? सदर।